हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्कल। हम सर्कल के ऊपर कि एक सर्कल है, उसका ये सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर से सर्कल के पॉइंट पर किसी सर्कल के ऊपर कहीं पे भी जो पॉइंट है उनका जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता है, रेडियस होती है। और साथ में क्या होता है कि सेंटर से एक तरफ इधर और सेंटर के एक तरफ इधर, ये बी पॉइंट हो गया। जब बी से ए और ए से बी का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं डायामीटर, डायामीटर। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं रेडियस का जो डबल होता है वो क्या होता है, डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, ठीक है। और रेडियस क्या होती है, डायामीटर का हाफ, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक करेंगे एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्केयर। क्या होता है, पाई आर स्केयर। यहाँ पे आर स्केयर का मीनिंग क्या है कि पाई आर स्केयर का मीनिंग क्या है, आर को आपने 2 टाइम लिखना है, आर मल्टीप्लाई आर, ठीक है। एक इसका है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस इस टाइप का पेरीमीटर होता है, इसको हम क्या आएगा, इसका फलन 2 पाई आर, 2 पाई आर। और यहाँ पे जो पाई है, पाई की वैल्यू है 22/7 होती है, 22/7 होती है। और या फिर हमें गिवन होगी, गिवन वैल्यू क्या है पाई की, 3.14। 22/7 तो होती होती है, इसके अलावा पाई की वैल्यू क्या है ये हमें गिवन होगी तब हमने ये यूज करने, वरना नहीं करेंगे। अब सपोज करो कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इसका आपने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, पाई आर स्केयर, पाई आर स्केयर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना है यहाँ पे 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई 14 काट देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्केयर। अब बाय चांस यहाँ पे रेडियस 14 है तो हमें यहाँ पे डायमीटर 10 गिवन हो, डायमीटर 10 है, तब इसका एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल। डायमीटर को हम क्या कर देंगे, रेडियस में बदल देंगे, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होती है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ जाएगी। अब इसका हम क्या कर लेंगे, फार्मूला यूज कर लेंगे, पाई आर मल्टीप्लाई आर, 22/7, 5 मल्टीप्लाई 5, कितना आ गया, 550/7। इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं। ओके, थैंक यू।